नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज बात करेंगे सिक्किम में चल रहे भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडियन रेलवे के ब्रॉडगेज रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि है सिवोक रेंगपू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। 44.96 ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये प्रोजेक्ट भारत को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है इंडो चाइना बॉर्डर पर। यहाँ पर हम लोग अपनी आर्मी को बहुत आसानी से ट्रेन के माध्यम से पहुँचा सकेंगे इस इंडो चाइना बॉर्डर पर, और साथ में ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सामान जो कि एक आर्मी और आर्म फोर्सेस के लिए ज़रूरी होता है, वो भी ट्रेन के माध्यम से जा सकेगा इस प्रोजेक्ट के ज़रिए। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट जो है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत पहले से बताता भी आ रहा हूँ। हालांकि आज इस प्रोजेक्ट के बारे में कितना काम हो गया है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, और अभी हाल ही में क्या हुआ है वो भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद फिर जानेंगे ये प्रोजेक्ट आखिर किस तरीके से अनाउंस हुआ था, फिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सब जानेंगे। तो पहले आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, 45 किलोमीटर का ये जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर 3.41 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो आता है सिक्किम के अंदर, और 41.55 किलोमीटर का हिस्सा वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट जो है ये कंचनजंगा माउंटेन की फुटहिल्स पर पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल यहाँ पर टेरेन भी मौजूद है। यहाँ पर तीस्ता रिवर वैली है, महानंदा एलिफेंट सेंचुरी है और रेंगपू रिवर है, यहाँ से होकर ये प्रोजेक्ट गुजर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज भी इस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 22 ब्रिजेस हैं जो कि मेजर हैं, और 14 टनल्स भी हैं, जिसके अंदर जो ब्रिजेस है वो 2.24 किलोमीटर का हिस्सा उनके अंदर आता है, और 5% इस प्रोजेक्ट का होता है। टनल्स के अंदर 38.65 किलोमीटर का हिस्सा आता है, जो कि 86% होता है इस प्रोजेक्ट का, और 4.76 किलोमीटर जो कि 9% हिस्सा इस प्रोजेक्ट का वो ओपन है, और इसके अंदर यार्ड और स्टेशन एरिया आ जाता है। इस प्रोजेक्ट में सिवोक और रेंगपू स्टेशन के साथ में ही इनके बीच में पड़ेंगे 4 और स्टेशन, जिसमें पहला है रियांग, खेलखोला, तीस्ता बाजार, और तीस्ता बाजार एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन होगा जो कि एक टनल के अंदर बनेगा, जिस टनल को हम टनल नंबर 7 कहते हैं। उसके बाद मैली। इस प्रोजेक्ट का स्टेटस जान लेते हैं अब। नवंबर 2021 तक 30% काम इसमें हो पाया था, अगस्त 2023 तक 57% इसमें काम हो पाया था, और 2023 में कुछ बातें ये भी कही गई थी कि अश्विनी वैष्णव सर ने बताया था कि वंदे भारत ट्रेन सर्विस यहाँ पर सबसे पहले चलाई जाएगी, और दिसंबर 2024 का वो टारगेट लेके चल रहे हैं इस ट्रेन को चलाने का, मतलब तब तक इस प्रोजेक्ट को वो पूरा कर लेंगे, ये उनकी बात थी। लेकिन अगर आज की बात बताऊं तो दोस्तों, मार्च 2024 तक यहाँ पर 65% काम कंप्लीट हो पाया है, और यहाँ पर अभी हाल ही में विजिट किया है भारतीय रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा जी ने, और उन्होंने टनल नंबर 1, 7 और 8 को विजिट किया। अब यहाँ पर टनल नंबर 7 की अगर मैं बात बताऊँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल है, क्योंकि इस टनल के अंदर हमारे भारतीय रेलवे का ब्रॉडगेज का पहला अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन बन रहा है, जिसको तीस्ता बाजार रेलवे स्टेशन कहते हैं। 650 मीटर लेंथ है इस पूरी टनल की। इसके अंदर 620 मीटर का प्लेटफॉर्म वाला तीस्ता बाजार रेलवे स्टेशन बन रहा है, तो उसका भी बनना अब शुरू हो चुका है बताया जा रहा है, और पीएम मोदी जी के द्वारा इसकी फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। तो ये तो बात रही दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी कितना काम हुआ। अब थोड़ा इस प्रोजेक्ट के बारे में और डीपली जानते हैं। देखिए, इस प्रोजेक्ट के जरिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको अपने आर्म फोर्सेस के बारे में बताया कि उनका चाइना बॉर्डर पर जाना बहुत आसान हो जाएगा, वो हमारे भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। साथ में ही यहाँ पर सिवोक रेलवे स्टेशन है, वो लगभग 26 किलोमीटर ही दूर पड़ता है सिलीगुड़ी से। तो यही कारण है कि सिक्किम, जहाँ पर आज तक अभी तक कोई भारतीय रेलवे का नेटवर्क नहीं था, वो भारतीय रेलवे के मेन लाइन नेटवर्क से जुड़ जाएगा सिवोक के द्वारा इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही। तो लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हो जाएगी सिक्किम में। अब देखिए, इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी बात करते हैं। वर्ष 2008-09 में ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, फिर मई 2010 में इस प्रोजेक्ट के लिए इरकोन को कॉन्टैक्ट दिया गया। इरकोन इंटरनेशनल भारतीय रेलवे का ही एक आर्म है, इंटरनेशनल और नेशनल रेलवे प्रोजेक्ट और भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ये लेती रहती है। इस प्रोजेक्ट में काम थोड़ा धीमा क्यों रहा, देखिए वर्ष 2013 तक की बहुत ज़्यादा काम नहीं दिख पाया प्रोजेक्ट में, 2010 में कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद भी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया पड़ता है, महानंदा एलिफेंट सेंचुरी। यहाँ पर जंगली जानवरों का, खासकर एलिफेंट्स का बहुत ज़्यादा आवाजाही होती है, ऐसे में फॉरेस्ट की तरफ से यहाँ पर क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 2013 में एक प्रपोजल लेकर के आई कि वो एलिफेंट सेंसर्स लगाएंगे, साथ में ही ज़्यादा मॉनिटरिंग करेंगे हर एक जगह की,
और साथ में यहाँ पर जो ट्रेन की स्पीड रहेगी वो 20 KMPH से ज़्यादा नहीं रहेगी इस सेंचुरी के अंदर अंदर। इन सभी प्रपोजल के साथ में जब भारतीय रेलवे सामने आया उसके बाद फिर इसमें आगे बढ़ी बातें, लेकिन तब भी यहाँ पर और भी प्रॉब्लम थी। सिक्किम के अंदर जो 3.5 किलोमीटर का हिस्सा पड़ रहा था उस स्ट्रेच के अंदर 2 विलेज भी आते थे, उन्होंने लैंड देने से मना कर दिया था। फिर वो भी डिस्प्यूट जो हुए थे उनको भी क्लियर कराया भारतीय रेलवे ने, और उसके बाद जाकर के आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के फरवरी में एक फैसला सुनाया कि एक प्रॉपर ट्रैकिंग होगी एनिमल्स की, साथ में सेंसर्स जो लगेंगे और टनल की जो डिगिंग होगी वो डे में ही होगी। ये सभी चीज़ें रखी गई सामने भारतीय रेलवे के और इस पर काम फिर शुरू कर दिया गया। फिर आखिरकार कोई इसमें अड़चन नहीं रही और यही कारण है थोड़ा ये प्रोजेक्ट लेट हो गया। अब ये टेरेन बहुत ज़्यादा मुश्किल थी कंस्ट्रक्शन के लिए, इसलिए यहाँ पर काम फिर चलता रहा धीरे धीरे। फिर कोरोना काल को भी झेला गया, उसके बाद अब जा करके आज 2024 में 65% काम ही हो पाया है। इस प्रोजेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, ये 45 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है ये एक फेज़ वन है, इसके बाद इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा रेंगपू से गैंगटॉक तक, और फेज़ थ्री में गैंगटॉक से नाथुला बॉर्डर पर जो कि तिब्बत और इंडो बॉर्डर आप मान सकते हैं, और यहाँ पर ही हम लोगों को सप्लाई करना है हमारे डिफेंस फोर्सेस के सामानों को, और नाथुला बॉर्डर तक पहुँचना ही हमारे इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा एम है। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट दोस्तों अनाउंस हुआ, फिर थोड़ा जो देरी हुई वो आपको मैंने बताया, और इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो भी आपने समझी, और आज इसमें कितना काम हो गया वो आपने समझा। अब देखिए हम लोगों का फोकस सिर्फ इतना है कि 2024 में कितना काम इसमें कंप्लीट होता है ख़त्म होते होते 2024 के, वो आप लोगों को मेरे चैनल पर पता रहेगा। मैं आशा करता हूं कि 2024 के एंड तक यहां पे 90% से ज़्यादा काम हो चुका हो, और वंदे भारत ट्रेन चलाने की जहां तक बात रही वो 2025 तक जरूर चल जाए इस प्रोजेक्ट के अंदर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम, भारत माता की जय।